हेलो दोस्तों, स्टैंडर्ड 9th चैप्टर 3 क्या निराश हुआ जाए, जिसमें हम पार्ट 2 का अभ्यास करेंगे। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ वहां उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। यह घटना ईमानदारी, कर्तव्य परायणता तथा जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को उजागर करती है। मैं चकित रह गया। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है? वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना अर्थात छल की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहां डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग हमें मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं। परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहां भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस बस पर बैठ जाइए। फिर एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध मेरे पास लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं,
मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखोगे जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभो मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों के गलत व्यवहार की वजह से हमें सन्मार्ग छोड़कर गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि हम सही मार्ग पर चलेंगे तो समाज और देश सन्मार्ग पर चलते हुए प्रगति की ओर अग्रसर होगा। मनुष्य की बनाई जो विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब हम शब्द के अर्थ देखेंगे। अतीत यानी कि बीता हुआ समय, अंतरात्मा यानी कि अंतकरण, अवांछित यानी कि अनचाहा, आचरण यानी कि व्यवहार। आरोप का मतलब है आक्षेप एवं दोष। आस्था का मतलब है निष्ठाभाव एवं विश्वास। उजागर करना यानी कि प्रकट करना। कातर मुद्रा यानी कि डरा व दुखी रूप। गरिमा यानी कि गौरव। गंतव्य जहाँ जाना हो। चित यानी कि मन। तस्करी यानी कि चोर बाजारी। त्रुटियाँ यानी कि गलतियाँ। दकियानुसी पुराने विचारों वाला। निर्मित यानी कि बनी हुई। निरीह यानी कि असहाय। पर्दाफाश करना यानी कि वास्तविकता बताना। प्रतिष्ठा यानी कि आदर और सम्मान। प्रमाण यानी कि सबूत प्रूफ। भयभीत यानी कि डरा हुआ। भ्रष्टाचार यानी कि भ्रष्ट आचरण और बुरे काम। मनीषी यानी कि विद्वान इंटेलिजेंट। मूल्य यानी कि आदर्श। मंथन यानी कि बहुत अधिक सोच विचार के पश्चात। विधिया व्यवस्था कार्यक्रम प्रणाली एवं ढंग। विश्वासघात यानी कि धोखा चीटिंग फ्रॉड। श्रमजीवी यानी कि मेहनत करके पेट भरने वाला। अब हम देखेंगे मुहावरे। आस्था हिलना यानी कि विश्वास टूटना। कातर मुद्रा में देखना यानी कि बेचारगी से देखना। ढाढ़स देना सांत्वना देना। हिम्मत बांधना हौसला देना। उजागर करना सबके सामने प्रत्यक्ष करना। चकित रह जाना हैरान हो जाना। हवाइया उड़ना डर जाना।